परदेशियों का आकर्षण आजकल काफी बढ़ रहा है। आजकल लोग विदेश में बसने या किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने के लिए बेकरार दिखते हैं। इसी से जुड़ा था हमारा कल का सवाल। हमने आपसे पूछा था, क्या नेट चैटिंग के जरिए जीवन साथी का चुनाव सही तरीका है? रोजाना के 49% कि नेट चैटिंग के जरिए भी जिंदगी की राह में एक बेहतर हमसफर मिल सकता है। हालांकि 46% दर्शकों का मानना है कि जीवन साथी का चुनाव एक गंभीर विषय होता है, उसके लिए नेट चैटिंग का तरीका सही नहीं है, जबकि करीब 4% लोग इस सवाल पर दुविधा में दिखाई दिए। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज हिंदी दिवस के मौके पर हम दिखाएंगे शब्दों का ऐसा भंडार जो आपको चुटकियों में याद करा देगा मुश्किल से मुश्किल शब्द की हिंदी। किसी शब्द के मायने जानने हो तो आप झट से शब्दकोश उठा लेते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों की फहरिस्त तो काफी लंबी है जिनके मतलब समझने होते हैं, और फिर मतलब समझ आ जाने के बाद शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। बहुत मुश्किल लग रहा है। पटना के एक नौजवान शिक्षक ने इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश की है। किस्सा गोई यानी कहानी की तर्ज पर उसने बनाया है एक ऐसा शब्दकोश जो अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों को समझाता है और उनके सही इस्तेमाल का तरीका भी सिखाता है। इस किताब के जिल्द पर बड़े बड़े शब्दों में डिक्शनरी लिखा है, लेकिन किताब के पहले पन्ने से ही इस कहानी के बीच अंग्रेजी के कुछ कठिन शब्द भी हैं। कहानी हिंदी में ही है और जहां अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वहां उस शब्द का मतलब भी हिंदी में लिखा हुआ है। कोशिश है छात्रों को अंग्रेजी के कठिन शब्दों का मतलब भी समझ आ जाए और वे कहानी के इस वाक्य से उस शब्द का सही इस्तेमाल भी सीख लें। मेरे मन में आता था कि किस तरह से वर्ड को याद किया जाए ताकि डिक्शनरी ही याद हो जाए, और स्टोरी बनाने का उसी समय से ख्याल आने लगा, और एक दिन ऐसा आया कि वर्ड को स्टोरी में ढालना शुरू कर दिया। विभिन्न विभिन्न प्रकार के वर्ड थे, उसको ढाला पहले मैंने। उसके बाद एक दिन मन में विचार आया कि क्यों ना हम डिक्शनरी को ही स्टोरी बना डालें। बिहार के रहने वाले रुपेश कुमार अंग्रेजी के शिक्षक हैं। ये डिक्शनरी 7 साल की उनकी मेहनत का निचोड़ है। इस किताब में रुपेश ने जो तरीका इस्तेमाल किया है उसे वो पहले अपने छात्रों पर आजमा चुके हैं। बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखा गया, स्टोरी बेस्ड ये है, स्टोरी में वर्ड मीनिंग मतलब छिपा हुआ है, तो बहुत ही पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। डिक्शनरी से हम लोग को वर्ड का मीनिंग तो पता चल जाता है, लेकिन उस वर्ड का यूज़ कहाँ होगा, किस सेंटेंस में किसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये हमें नहीं पता चल पाता। लेकिन इस बुक के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, प्लस साथ में हम लोग कहाँ किस वर्ड को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेखक को उम्मीद है ये डिक्शनरी उन छात्रों के लिए रामबाण साबित होगी जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं और अंग्रेजी को बोझ समझते हैं। रोजाना के लिए पटना से सौरभ कुमार। और अब सीधे चलते हैं मलेशिया, जहां भारत और